नकना गांव के पास मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी, घायल अस्पताल में हुए भर्ती। बीती रात कापू मुख्य मार्ग में नकना गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को छोड़कर बाकी अन्य सभी को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें 108 के माध्यम से धर्मजगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि बीती रात पत्थलगांव खुर्द से शादी समारोह समापन के बाद पोटिया गांव निवासी 7 लोग अपने घर पोटिया आ रहे थे, तभी नकना गांव के पास बोलेरो वाहन का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर 3 पलटी ले ली। हादसे में वाहन में सवार सुलेखा सिद्धार एवं चालक सूरज सिद्धार को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार धर्मजगड़ अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि चालक द्वारा शराब का सेवन कर लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन को चलाया जा रहा था, लिहाजा लापरवाही एवं तेज रफ्तार हादसे की वजह बन गई। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।